आज है 9 जून और मजदूरों कल को पेमेंट मिलेगा ना मिलो। बैठ के नीचे घुस के खेल रहे हैं, चलो मैं भी घुस जाऊं। तू फाइट कर रहा हो फिर जो करो जीजी में मात के है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग और सब कैसे हो जी, ऐसा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज भी खाली कैन लेके जानी पड़ रही है, लेकिन आज दूध वालों का हिसाब करके आया पूरा, जो अभी छठवां चल रहा है 5वें महीने का पूरा हिसाब कर दिया। अब इस महीने का रह गया 2-4 दिन का बस, वो भी दे देंगे। अभी दूध भी नहीं है, अब दूध आएगा उनके घर में, भैंस भी आएगी करीब 4 महीने बाद जब दूध मिलेगा। बाकी का अगर कहीं से मिलता है तो देखेंगे। आज है 9 जून, सुबह के बज रहे हैं इस समय 7:30। अभी देखिए घर के ऊपर जो बन रहा है अपना कमरा, तो अभी ऐसा लुक दिख रहा है नीचे से, और जो भी हमारी पुरानी ईंट थी सब लग गई, और जीना में नई ईंट लग रही है। सोनी की किचन के लिए नई ईंट मंगाई। एक ट्रॉली बालू डलवाया अभी, और अभी पेमेंट कर देते हैं ले। और अभी देखो विवेक रेत की सेफ्टी कर रहा है, मतलब साइड से ईंट लगा दी जिससे हमारा जो रेत बालू है ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत महंगा डलता है ये, चंबल नदी से आता है। और सोनी लग चुकी है वही बस फालतू के काम में, मना बोल रहा हूँ इसको मत कर, इसको अभी बाद में डल जाएगी, तो अभी यहाँ पे रास्ते में डाल रही है जो कचरा निकला है ना घर का, बोल रही है कि ये ऊँचा हो जाएगा सामने सामने, बरसात के मौसम में पानी वगैरह नहीं भरेगा इसलिए डालने लगी। और ये लगी है तो फिर साथ में हमको भी लगना पड़ेगा। और मजदूरों कल को पेमेंट मिलेगा ना मिलो हैं? राम राम जी सभी को, तो तुम्हें पता होगा नहीं, वीडियो में बताए देकर जाते के देखे वाने जो नहीं लगे के जे पेमेंट पैसा देते ना देते, जिन्हें काम करवाते रहते हैं पैसा ना दे, मैंने तो क्यों बाद ना मैंने दे नहीं पैसा, अब उधर ही होंगे तो भाई बाद ना की भाई अलग इकट्ठो पेमेंट कर दो मैं 10-15 दिन आपको पहले की पैसा को दे दियो है। चलो अब नाश्ता पानी करवाऊं तो आजा, भूख लग गई होगी आजा। और विवेक बाबू दूध दो ले जा, दूध दो बस बहुत है, ज्यादा लूड़ मत ले, और कटर मत लगा रहे नहीं ऊपर रख जाऊंगा। अरे बाबू लगाया था फिर नीचे, और ये तो बाकी को सरक के तो खराब तो नहीं होगा, नीचे लगा के ऊपर ईंट रखे थे लगा रही मैं तो भाई रेत पसा रेत के नीचे पसाया जाए जो कट्टा रेत के नीचे फसाए थे ऐसे ही फसाए गए तो ईंट रखे थे और फिर ऊपर तो दुबिज जाओ आगे समझा मैं तो फैले वो नहीं, ये दस्ताना है हाथ में नहीं लगेगी। राम राम जी, आज जीना का गेट चढ़ा देंगे, ये पहले जो नीचे लगा था कमरा में वही वाला दरवाजा है, फिलहाल यहाँ पे लगा देते हैं जीना में। किचन के लिए लाना पड़ेगा मार्केट से। बैठ के नीचे कर छोटू, तू छोटू बड़े बजा संगा में बैठ के नीचे घुस के खेल रहे थे, बैठ के नीचे घुस के खेल रहे, चलो मैं भी घुस जाऊं। पूरे घर में इनको जगह ही नहीं मिली, और कहाँ पे खेल रहे कुछ बना रहे हैं, बनाने में लगे हैं। कहाँ बना रहे हैं? अरे विवेक, विवेक का पता, विवेक का बना, पता चल जाएगी बन जाओ तो देखते हैं क्या बनाता है, पता चल जाएगी बाद में देखो। योगेश बाबू अभी पढ़ने के लिए बैठ गए सुबह ही, वैसे तो लाइफ में इतने बिजी है कि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आज मेरे को टाइम मिल गया है, और टाइम मिल गया तो मैंने सोचा मैंने कि चलिए आज चिनाई करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए जब से मैंने चिनाई नहीं की, और एक इमरजेंसी भी है, हमको समोला भी जाना है आज, तो इसीलिए अर्जेंट है, इमरजेंसी है वहाँ पे तो जाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैंने कि आज हम भी चिनाई कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जब हमने जो बनाई थी ना अपनी किचन, पहले हम रहा करते थे 4-5 साल रहे उसी में, जब वो उसको चिना था जब से उसके बाद में कभी ईंटा लगाने का मौका नहीं मिला, तो आज मौका मिला है तो आज चिनाई कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं समोला, जो सोनी की दीदी है इनकी जिठानी है,
सोनी की दीदी की जेठानी गुजर गई है अभी, है रागनी, हाँ रागनी की ताई शिवानी जो यहाँ पे रही थी ना उसकी ताई, तो वो गुजर गई हैं। और अभी उनकी उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अभी चल रहे हैं उधर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे जाके। और अभी बस अभी हम निकल चुके हैं समोला के लिए। और ये आज हमने पकड़ा है एकदम जो शॉर्टकट वाला रास्ता, लेकिन ये कच्चा है और यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई, इतनी धूल हो गई बाइक फिसल रही है, लेकिन ये शॉर्ट रास्ता है इसलिए इसी से जा रहे हैं। साढ़े बारह बज गए, समय बहुत तगड़ी धूप यानी दोपहर ही हो गई। अभी आ गए सभी लोग मुक्ति धाम में। यही है सबसे बड़ी जिंदगी की सच्चाई, बाकी सब कुछ झूठ है, जो आया है उसको जाना है। ओम शांति, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी आत्मा को शांति दे। अभी एकदम दोपहर का टाइम है, अभी विशाल भी आ गया, गोपा जी को लेकर आया था। और अभी हम मंदिर पे आए, मतलब प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए। अभी अंतिम संस्कार करते करते कार्यक्रम में पूरा डेढ़ बज गया, इस समय दो बज, मतलब दो बज जाएंगे चलते चलते। दोस्तों अभी आ गए हम घर पे और इस समय ढाई बज गया और एकदम दोपहर का टाइम है, सब बहुत भयंकर गर्मी, देखो टेम्परेचर धूप। अभी हमारा दोबारा से स्नान हो गया और इस समय चार बज गए, शायद सवा चार का टाइम हो गया होगा। सोनी ने इतने कपड़े धोए हैं आज, बाल्टी भी नहीं उठ रही मेरे पे, इतने सारे कपड़े धोए ले, पूरा बाल्टी भरा हुआ है कपड़ों से। अभी यहाँ से वहाँ तक देखो ये खाली पड़ी हुई है, अभी इस पे डालेंगे तो कितने सारे कपड़े धुलाई किए आज, पूरे दो घंटे लगे होंगे सोनी। दो घंटे तो नहीं लेकिन पूरा एक घंटा गया है कपड़े धोने में। गुलगुले गुलगुले छोटे छोटे छोकरे के बच्चे निकले हैं, इनको वहीं पे रखेंगे, अभी बड़े हो जाएंगे जब बाहर चले जाएंगे। अभी तो वही मर रहे। देखो दोस्तों अभी कितने सारे कपड़े धोए, आपको दिखाऊं, यहाँ से देखो लाइन लगाओ, यहाँ से ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरी रेलगाड़ी बना दी है मानसू ताई ने, रेलगाड़ी बना दी है वहां से लेके यहाँ तक, एक किलोमीटर तक कपड़े ही कपड़े आए गए। ले चलो चलो आप बाहर चलो, पानी पी गई, मुंह धो लो। ओ रिया आ गई, वो तुम मत बोलो, ना अभी अभी तो पहचान ना रही है भैया। हां भाई ना रिया, ओ बेंदी का भी लगा के आ गया, अब मंके में मैं खाली पहचान में लगी हूं तो ना बन यहां आए। आज भी चक्कर पड़ गया है, भूल सी गई हैं अपने आ गई लेके आई हैं। बेंदी कौन लगाई थी जाके, मैं लाई, हड़ा देर लग जाई मोड़ी है। आज हमारी ये वाली दीवार हो गई करीब चार फीट के आसपास। छत के ऊपर से ट्रेन का भी आनंद लीजिए। फाइट तू फाइट कर रहा हो, फिर जो करो जी जी में मारते है, अरे वो तो फाइट कर रहा है और जीजी को नाम रखते हैं। हाँ लग गई थे मुक्काते, निकलने के लिए जगह भी नहीं है और फिर भी छत के ऊपर आके इसकी सब्जी बन रही है, देख लो ईंट डूबेगा ते चांद में लगना रही, मैं तो मुड़ा देता हूँ कल डूडे के। आज बना रही है सोनी भरमा मिर्ची बन रही है बेसन वाली, तो आज बेसन वाली मिर्ची बना रही है। देखो मेहंदी, हाँ मेहंदी डिजाइन तो दिखाई नहीं सोनी, कल रखी थी ये देखो, कल लाली ने रखी थी और बहुत सुंदर लग रही है। एक ही हाथ पर रखवाई बस, नींद आउटी, अच्छा नींद आउटी इसलिए एक ही पर रखवाई। संगीता तो गई है, रागिनी, हाँ रागिनी, रागिनी गई, उनकी ताई खत्म हो गई थी इसीलिए जाना पड़ा।
और वो भी अभी जाने लायक नहीं थी उनकी ताई, लेकिन चली गई। अभी उनके बच्चे हैं शादी के लिए। उनको मतलब पहले से शुगर था और उनकी दवा भी चल रही थी, तो पता नहीं कोई इंजेक्शन वगैरह भी लगाया। उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, फिर धौलपुर में भी जैसे पेट में दर्द हुआ धौलपुर लेके गए, हैं उल्टी हुई दो बार। हाँ उल्टी हुई थी, उल्टी होने के बाद में बेहोश हो गए, इसके बाद ही तो लेके गए। फिर यहाँ पे लेके गए धौलपुर में, यहाँ से रेफर कर दिया जयपुर के लिए। जयपुर शायद पहुँच गए, शायद बता रहे थे पहुँच नहीं पाए, रास्ते में ही ख़त्म हो गई थी। तो हुआ तो बहुत बुरा, अपने हाथ में तो ये सब कुछ होता नहीं है। अब तो यही है कि बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आप सब भी दुआ करना। और उनका एक लड़का तो अभी आया भी नहीं है, वो तो बाहर काम करता है, तो वो शायद कल तक आ पाएगा, दूर है। आज आ जाएगा, 8-9 बजे तक आ जाएगा। अभी हमारा रात में यही काम रहता है तलाई करने का, क्योंकि ये तलाई सुबह तक टिकती है। जब छत पर सो भी जाते हैं ना तलाई होने के बाद में, तो हवा भी ठंडी ठंडी लगती है दीवारों से टकरा के। अभी तलाई वगैरह सब कर दी, सर का दर्द भी थोड़ा सा हल्का सा हो गया है, और अगर बंद हो जाए तो फिर अभी वीडियो एडिटिंग भी करनी है। अगर नहीं बंद हुआ तो फिर कल की वीडियो लेट हो सकती है, वो भी दिक्कत है। चलिए अभी खाना पीना खाते हैं, देखते हैं क्या बनाया है सोनी ने आज। चलिए अभी सोनी ने क्या क्या बना के तैयार कर लिया है। तो रोटी बन गई, और इधर हमारी सब्जी में बनाया है आज बेसन की मिर्ची। दोस्तों रात में बस खाना खाने के बाद में फिर हम सो गए, उसके बाद में हमने शूट वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा ये सर था ना दर्द कर रहा था पूरा, ये वाली जगह पे दर्द हो रहा था, देखो यहाँ पे। और कल गुप्ता जी भी मिलने आ रहे थे आगरा से, उनका भी कॉल आया था कि भैया जी हम आ रहे हैं अब, लेकिन हमको जाना था उधर सम्मोला, इसलिए मैंने कि अब घर पर कोई आए मिलने के लिए, फिर उनके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाए, वो आए एक दो मिनट के लिए बैठे हम निकल जाएं, वो भी निकल जाए, फिर वो मज़ा नहीं आया, वो अच्छा नहीं लगता इतना। तो उनको फिर मैंने बोल दिया था मैंने ऐसी ऐसी परेशानी है, तो फिर कभी आना, आप फिर कभी आएंगे फिर आपसे फिर मिल पाएंगे। और आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में, और ओम शांति जरूर लिखना कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।